अल्लाह लेकुम कैसे आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे अलहद मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जी नया दिन नया ब्लॉग आप सब लोग कैसे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और लाइक का गला दबा कर फिर वीडियो को वॉच करें और चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ तो जी मैं ये लंच का टाइम था आज नाश्ते से व्लॉग ने ही शुरू किया और लंच में ही शुरू कर लिया कभी याद रहता है कभी नहीं रहता तो मौसम साथ साथ देखेंगे कितना आउट क्लास हुआ है हुआ। हवा भी चल रही है और धूप भी कड़ाके की निकली हुई है और मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है तो यहाँ पर प्याज प्राउन करी थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था पकाने के लिए मतलब सब्जी वग़ैरह और दालें जो है वो तो चलती रहती हैं और पकती रहती हैं वो इस हफ्ते में मैंने दो दफ़ा बना ली थी लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं दाल बनाऊं तो फिर चिकन पड़ा था तो मैंने फिर उसका कभी सोचा कि चिकन की कढ़ाई बना लूँ कभी सोचा कि कोई चावल चावल बना लूं तो कोई समझ नहीं आ रहा था फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि मैं क्या बनाऊं तो उन्होंने कहा चल चिकन पुलाव बना लो और फिर मैंने यखनी रख दी थी मैं थोड़ी सी देर के लिए चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था उसमें मतलब लहसुन अदरक डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला और चिकन डाला और यखनी सी बना ली थी तो साथ ही फिर मैंने पुलाव की तैयारी कर ली थी और मैं कल लंच में आज आपके साथ अपनी लंच रूटीन शेयर कर दूँ और जब मैंने किचन साफ़ करना होता है मतलब सफाई से पहले मैं कुकिंग शुकिंग कर लेती हूँ उसके बाद ये होता है कि फिर मैं कोई काम नहीं करती जब मैं बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ तो यहाँ पे साथ ही मसाला भून लिया था और चिकन साथ ही डाल दूँगी साथ बनाई हो जाएगी चिकन को मैंने सिर्फ दस पंद्रह बीस मिनट ही पकाया ज़्यादा नहीं पकाया कि चिकन आपको पता है जल्दी गल जाता है और यहाँ से चिकन जो है वहाँ ट्रांसफ़र करूँगी और इसी तरह मेरा जो है काम चलता जाएगा और यखनी जो है बाद में मैं इसको मतलब कि इसको स्टेन कर लूँगी इस तरह मैं नहीं डालूँगी कि सब कुछ बीच में जाए और बस इस तरह मेरा काम हो जाएगा तो अब जी मसाला जो जहाँ अच्छी तरह भुन गया है और इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया था मतलब कि यखनी डाल दी थी क्योंकि अभी हमने खाना नहीं था जब खाना होता है तो तब मैं डालती हूँ चावल अभी मैंने कहा कि चले यहाँ तक काम हो जाएगा तो फिर जब खाने होंगे तो उससे आधा घंटा पहला पहले ही चावल डालूँगी फिर भिकूँगी फिर आ, खाएंगे ताज़ा ताज़ा चावल आपको पता है बिल्कुल फ़्रेश और ताज़ा ताज़ा अच्छे होते हैं यहाँ पे मसाला जो है भून रहा है साथ ही अच्छी तरह बनाई करके और पानी डाल के मैं इसको बंद कर दूँगी तो यहाँ पर मैंने यखनी डाल दी थी और इसको करूँगी अब साइड पर और अब कर लूँगी मैं किचन की सफ़ाई क्योंकि अभी खाने में थोड़ा सा टाइम है और जब हस्बैंड आने वाले होते हैं तब भी मैं करती हूँ मतलब गरम गरम चीज़ बनाती हूँ तो इसलिए मैं अभी इसको साइड पे कर देती हूँ ताकि मैंने किचन को करना है बिल्कुल नीट क्लीन और सबसे पहले तो ये बारी आती है जे स्टोव की तो ये अगर क्लीन ना हो तो किचन तो क्लीन लगता ही नहीं है और जब से मैंने मतलब कि मेरा तो अभी फ़िलहाल नया है सब कुछ तो मुझे ये होता है कि ये अभी तो नीट ही रहे और शुक्र अभी इतना गंदा नहीं होने दिया मैंने क्योंकि दूसरा जो बाहर किचन सेट किया तो उधर मैंने जो इस तरह की कुकिंग होती है फ्राई वाली या कुछ और ज़्यादा तो वो मैं वायरिंग कर लेती हूँ तो यहाँ पे चूल्हा जो था फुल गर्म था हॉट था और मैंने एक गलती कर ली कि मैंने इसको साफ़ी के साथ तार तो लिया था लेकिन उस वो साथ ही उसके साथ चिमड़ गया था क्योंकि उसमें रेशमी रेशमी तार थी तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है और देखती हूँ अब वो मैं कैसे नीट करती हूँ साफ़ करती हूँ जल्दी जो होता है ना तो फिर यही होता है तो मैंने कहा कर लेती हूँ फिर उसके बाद जो है सफ़ाई जो मैंने करनी होती है वो करूँगी पहले किचन को बिल्कुल क्लियर कर हूँ क्योंकि मैंने कुकिंग शुकिंग सारी कर ली और चूल्हा जो है मैं इसी तरह साफ़ करती हूँ अच्छी तरह डीप क्लीन और किचन भी मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके फिर चली जाती हूँ फिर अब मैंने यहाँ पे कुकिंग नहीं कर ली इसके बाद इसके बाद जो भी है शिकान है वो मैं बाहर ही करूँगी और चावल भी मैं बाक, बाकी जो काम है बाहर करूँगी और ये इतना काम मैंने कर लिया था क्योंकि मैंने सफाई करनी होती है तो फिर जो जो काम मैंने करना होता है वो मैं कर लेती हूँ और अच्छी तरह स्टोव को साफ किया जाए तो आपको पता बहुत अच्छा लगता है मैंने इसको लेमन मैक्स के साथ बहुत ही अच्छी तरह इसको कर लिया था ताकि ऑयल की जो छीटें वगैरह पड़ी हैं वो सेट हो और अभी तो खैर नया नया तो साफ करेंगे तो साफ ही रहेगा नया ही रहेगा अगर इसको इसके हाल में छोड़ दिया तो आपको पता है जल्दी ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं तो अभी तो फिलहाल मैं बहुत ही केयर कर रही हूँ और ये देखिए कैसे चमक रहे हैं और कैसे मजे मजे का लग रहा है और बिल्कुल साफ हो चुका था अब इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको धो कर अच्छी तरह फिर मैं बस सेट कर लूंगी तो यहाँ पे ये यह मेरा सारा किचन जो है नीट हो चुका है और ये देखने कैसे चमक रहा है और फिट फाट हो गया और यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं जो एक्स्ट्रा चीजें वो धो के और वॉश बेसन धो के तो किचन मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था ये एक दफ़ा आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल साफ़ हो गया है टाइलिंग शाइलें भी मेरी बिल्कुल साफ़ हैं और अब यहाँ पे मैं कुकिंग बिल्कुल भी करने वाली नहीं हूँ वहाँ जब मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीट क्लीन कर लूँ तो फिर मैं बिल्कुल नहीं करती फिर मैंने चाय भी बनानी हो तो बाहर चली जाती हूँ तो यहाँ पे जी साथ सफाई चल रही थी और समोसे फ़र्क लेकर आए थे तो मैंने कहा साथ समोसे खाते हैं और चाय पीते हैं और उसके बाद जो अगला व्लॉग था वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया कि मेरे मेहमान आ गए थे और मैं उनमें बिज़ी हो गई थी फिर चावल चावल तो ख़त्म हो गए थे और जी फिर गई थी रात रात को फिर मैंने कहा आप क्या आप कहूँ कुछ भी नहीं आया और जाना था हमने ग्रॉसरी करने और सब्जी वगैरह लेने लेकिन नहीं जा सके कुछ गेस्ट आ गए गे थे तो इसलिए नहीं जा सके तो फिर मैंने अंडे प्याज बना लिए और सर्दियों की आमद आपको पता है साथ साथ शुरू है और मेरे पास दो तीन सूट पड़े हुए थे याटिच उनको मैंने श्रिंक करके तो इधर उधर डाला हुआ है पहले तो खैर ऊपर डाल के आई थी तो इनका पानी शानी खुश्क हो गया और फाइनली टीवी भी अपनी जगह पे सेट हो गया है और ऐसा-ऐसा सेटिंग भी जा रही है और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करती चलूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ पे जी मैंने अंडे प्याज बहुत ही लजीज बनाए थे क्योंकि इसमें मैंने अदरक का पेस्ट ज़्यादा सारा डाला था और जिस अंडे में अदरक और प्याज जो आ, मतलब अदरक ज़्यादा होता है तो वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं क्योंकि मेरी वालदा और मेरे नाना अब बहुत ज़्यादा पसंद करते थे अंडे में अदरक को और मैंने भी डाला है और सब बहुत ही अच्छे बने थे तो जैसे लगता था मका सब ने बनाया तो वैसे ही बहुत मज़े का टेस्ट आया था तो अब मैं इसी फ्रॉय पैन में ले कर जाऊँगी और इसी में कर रहा दिल नहीं रहा था इसको निकालूँ तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हाफि